नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चंद्र राशि आधारित पुकार नाम अनुसार आज क्या कहता है आपका राशि, जानिए। मेष राशि, भाग्योदय की संभावना के बीच परिजनों से संबंध मधुर होंगे। आज जो भी काम करे पूरे आत्मविश्वास और आनंद से करे, उसमें निश्चित सफल होंगे। कार्यस्थल पर किसी से आकर्षित होंगे। वृषभ राशि, नौकरी में बदलाव के योग के बीच राजनीति से जुड़े लोग मनचाही सफलता पा सकते हैं। नए व्यापार की शुरुआत अनुकूल होगी, लेकिन कान संबंधित पीड़ा हो सकती है। अनावश्यक विवादों से दूर रहें। मिथुन राशि, आर्थिक मामले सुलझने की उम्मीद के बीच रुचि अनुसार काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अब तक आप जिन लोगों की मदद कर रहे थे वही अब आपका विरोध करेंगे। सुख सुविधा पर खर्च की संभावना के बीच मानसिक अस्थिरता रहेगी। कर्क राशि, वैचारिक मतभेद दूर होने के साथ ही कारोबार में नए सौदे लाभप्रद रहेंगे। किसी को अपने मन की बात बताने का मौका मिलेगा। रुके कार्य पूरे होने में अभी समय लग सकता है, मांगलिक खर्च संभव है। सिंह राशि, आज से पुरानी बातों को भुलाकर अपने रिश्तों की नई शुरुआत करें। आपकी उन्नति से विरोधी को तकलीफ हो सकती है। राजनीति के चलते शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कन्या राशि, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। मित्र आपके कार्यों में सहायक होंगे। मन में किसी दुविधा को लेकर तनाव महसूस कर सकते हैं। उधार दिया पैसा आने में संदेह है। तुला राशि, कारोबार में नई तकनीक का प्रयोग लाभान्वित करेगा। धन आगमन में हो रही रुकावट दूर होगी। कार्यों में हो रही देरी से चिंतित रहेंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। वृश्चिक राशि, धनार्जन के नए स्रोत स्थापित होने के साथ ही पारिवारिक मांगलिक आयोजनों की रूपरेखा बनेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। दोस्तों के साथ किसी जरूरी मसले पर चर्चा होगी। धनु राशि, रुके कार्य और योजनाओं को क्रियाशील करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बीमारी के कारण तनाव पैदा होगा, लेकिन घबराए नहीं, अपने इष्ट पर भरोसा रखें। सब अनुकूल होगा। मकर राशि, कारोबार में विस्तार के योग के बीच नए संपर्क आपको ख्याति दिलवा सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन नई योजनाओं में पूंजी निवेश सोच समझ कर करें। पुराने विवाद से युक्त जमीन जायदाद के मसले लंबित होंगे। कुंभ राशि, नया काम शुरू करने से पहले जानकारों और बड़ों से मार्गदर्शन व सलाह लेंगे। पूंजी निवेश करने में सतर्क रहे। किसी की बातों को पूरी जांच किए बिना उस पर भरोसा ना करें। अध्ययन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। मीन राशि, आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। नए संपर्क स्थापित होंगे। अपनों से दूरियां कम करते हुए अपने स्वभाव और व्यवहार को बदले फायदेमंद रहेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।